નમસ્કાર મિત્રો, સ્વર ગુર્જરીમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આ વર્ષનો છેલ્લો ગુરુવાર છે અને આપણા ભોજનમાં જેમ મધુરેણ સમાપયેત આપણે કહીએ છીએ ને, એવી રીતે આજે તમને એક ઇન્દોરના સરાફા બજારમાં લઈ જઈ અને વાનગીઓનો રસથાળ તમારી સમક્ષ પીરસવાની છું. વર્ષનો અંત છે આ અને મીઠી મજાની એટલી બધી વાનગીઓ છે કે તમને ખૂબ મજા આવશે આ વિડીયોમાં. કારણ કે આપણે સંગીત તો મેઇન પીરસીએ છીએ, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિને પણ આ ચેનલમાં રજૂ કરીએ છીએ. તો હું તમને આજે લઈ જવાની છું ઇન્દોરના સરાફા બજારમાં. સરાફા બજાર એનો બહુ જ મેઇન એરિયા છે અને ઇટ્સ ફૂડ સ્ટ્રીટ. દિવસ દરમિયાન ત્યાં જ્વેલરી શોપ છે અને રાત્રે 8 વાગે એ બધી દુકાનો બંધ થાય. અને પછી આગળ આગળ વધતા અમે તમને જુદા જુદા રસાસ્વાદ ચખાડતા રહીશું. તો ચાલો સરાફા બજાર તરફ. સાબુદાના વડા, ઓકે ઓકે, જરા ખા કે બતાઈએ કૈસા હૈ. આપ ખાઈએ ફિર હમ ખાતે હૈ. બઢિયા, ઠીક હૈ, ચલો ખાતે હૈ ફિર. ખા રહે આપ? હા, तीस पैंतीस साल पुराना आउटलेट है. अच्छा, जो बहुत ही यूनिक फ्लेवर में बनाते हैं खिचड़ी. अरे वाह, फ्लेवर बहुत यूनिक है. ओके, इसमें तो बहुत कुछ दिखता है. ये फलाहारी है? हाँ, ये फलाहारी. ओके ओके, चलो टेस्ट करके देखते हैं. मेन कौन सी है वो पता होना चाहिए. हाँ, आई नो. Once more.
ये लो मसाला डाल दो, ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये है। ये लो वायरल हो गई है कुल्फी, कैसी है जरा कुल्फी सोने की दिखाइए तो सही हमें। धन्यवाद। ये सोने की है? सोना लगाऊंगा इसमें आप बोलेंगे। बच्चे में लगा है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा कुल्फी, उसके बाद में सोना लगाऊंगा इसमें। अच्छा, बस तो ये कुल्फी की वजह से आपको सोने का हार मिलते रहे। ये क्या है अमित भैया? ये भुट्टे का कौन का आइटम है, इसको किस बोलते हैं? भुट्टे का किस? किस करने का किससे बनता है ये? ये बस फ्रेश कॉर्न को बॉईल करके और उसमें कुछ सिंपल मसाले होते हैं उसमें, और उसका नाम भुट्टे का किस। इंदौर में एक्चुअली भुट्टे को किस कर कस के बनाते हैं इसको, इसलिए भुट्टे का किस। बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। हमारे वहाँ मिट्टी टुकड़ी नहीं है, टुकड़ी का। अच्छा, ये बोले छोटो छोटो तो ले लो। हाँ ले रहे ले रहे। हाँ छोटे को बोलो बोलो पौधे ले जाओ, बम्बई कलकत्ता जहाँ भी मंडी आ जाए बम्बई ले जाएंगे। आया है राजा हाँ बताओ। ये शुद्ध घी में बनती है? आप टेस्ट कीजिए। ये भी 450 ग्राम का एक ही पीस। एक किलो का एक बनता। और खाते हैं लोग? बहुत अच्छा। जैन कराड़ू सेंटर में आए हैं और ये देखिए ये भी एक बहुत टेस्टी आइटम है, मैं भी जरा चख के देखती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया कराड़ू है। कराड़ू मतलब अपना गुजराती रटाड़ू, मैंने महाराष्ट्रीय कंद। बहुत सरस आइटम से, लेट मी टेस्ट। वेरी नाइस। मसाला डाले एक बेटा एक। ये किस तरह की सैंडविच बनती है इधर? हम वैरायटीज नहीं होता, एक ही सैंडविच बनाते हैं हम लोग। जंबो सैंडविच बनता है। जंबो सैंडविच? बाहुबली सैंडविच? बाहुबली सैंडविच। अरे वाह, बाहुबली जंबो हल्क मधुरम सैंडविच हमारा ये। इतनी सारी ब्रेड है तो इतनी बिकती है? हम एक दिन का लगभग 200-250 ब्रेड करता है। अरे वाह, वेरी नाइस। चलता रहता है, बनता रहता है, माल निकलता रहता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। एक निकालो बेटा। बाहुबली सैंडविच है, क्या डाला है इसमें? तंदूरी पनीर भी चीज होता है। ओके ग्रेट। इंदौर की ये फेमस फूड स्ट्रीट है। बम्बई से हम 56 की माला चपते चपते आए थे एंड फाइनली आई रीच्ड हियर। बहुत ही साफ सुथरी ये गली है जहाँ जो फूड लवर्स हैं उनको बैठने की जगह है। रात को तो अच्छी म्यूज़िक भी बजती है, कलरफुल लाइट्स हैं, तो ये इंदौर की एक बहुत ही अनूठी जगह है जहाँ हर तरह के नमकीन और स्वीट्स मिलती है। तो देखिए इनका एक नज़ारा यहाँ पे, आलू और कोकोनट की पैटीज सिर्फ विजय चाट में मिलती है। देखिए ओनर है, आपकी पैटीज हमने खाई, बहुत अच्छी है। तो इसकी खासियत क्या है? पैटीज खासियत ये है कि ये प्योर आलू और नारियल का बनता है, ऊपर का जो क्रस्ट होता है वो प्योर आलू है, मैदा आटा कुछ नहीं होता है।
बनाते हैं। ये इंदौर की स्पेशलिटी है, ये हाँ, हमारी स्पेशलिटी है। आपकी है जी। तो आपने कितने सालों से ये दुकान स्टार्ट की? 69 से। माय गॉड, तो यहाँ ही थी पहले की कहीं और? पहले हमारी सराफा में, अभी भी है शॉप सराफा में। अच्छा। वो हमारा मेन पुरानी जो शॉप है, हेड ऑफिस वही है, ये तो ब्रांच है हमारा। आपका नाम क्या है? कश्यप ठाकुर। कश्यप ठाकुर। कश्यप जी, ओके। तो आप खुद ये सब करते हैं जी? क्यों, शौक है? हाँ, शौक भी है और अब अच्छा भी लगता है काफी ज्यादा। कितने लोग आते हैं रोज अप्रोक्सीमेटली? अनगिनत, हजार तो होंगे। हजार रोज? तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ इंदौर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या? प्रहलाद शर्मा। ओके, ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये है रामायण यहाँ की स्पेशल शाही रसमलाई। हाँ हाँ, जूस से बनी है, स्पेशल शुगर फ्री है ये, गन्ने के जूस से। हाँ जी, और ये स्पेशल है। और इसको खाने के बाद जैसा लगता नहीं कि हमने कुछ खाया, और बिल्कुल लाइट आइटम, कोई आइटम नहीं कि अपन ने खाया उसके बाद लगेगा आपको, ये एकदम हाइजीनिक आइटम। तो इंदौर का स्पेशल है कि आपकी? और मधुर का स्पेशल आइटम। अच्छा, ओके। हमने तो कभी सुना नहीं है इसके बारे में। ये भी हमने इसको चालू कराया है। ओके, काफी पुराना है लेकिन अभी इसको जो शुगर उसमें जला दे, लेकिन हमने इसको पूरा हाईलाइट कर। ओके, जरा रखिए इधर तो हम बराबर देख सकते हैं हम। ये शाही रसमलाई जी, शाही रसमलाई। जी है, क्योंकि हमने तो नींबू की पी है अभी तक। ये यहाँ की स्पेशल सिकंजी है, ड्राई फ्रूट सिकंजी कहते हैं इसको। ड्राई फ्रूट इसमें जावित्री, जायफल, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, केसर, मिल्क, मट्टा, ये सबसे बनाया जाता है इसे। माय गॉड, और ये सिर्फ मधुरूप में मिलती है, बाकी और कहीं अच्छा नहीं मिलती है। अच्छा अच्छा, ओके। ये भी नई चीज़ है? ये नई चीज है। छप्पन दुकान का ये रात का माहौल देखिए। फूड स्ट्रीट की ये सफर कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।